ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय माता दी व्यूअर्स, आशा करता हूँ आप एवं आपका परिजन सकुशल होंगे। काली स्वरूप माँ चामुंडा देवी से आशीर्वाद प्राप्त कर अब हम हिमाचल प्रदेश को टाटा बाय बाय करते हैं और आइए आपको अब जम्मू में माँ कौल कंधोली की ओर लेकर चलते हैं। तो व्यूअर्स, लगभग 12:30 बजे हम लोग जम्मू के नगरोटा शहर पहुंच गए हैं, जहां अब हम माँ कौल कंधोली एवं मंदिर की समस्त पौराणिक मूर्तियों के दर्शन करेंगे। उसके पश्चात हमने मंदिर के सीनियर पुजारी पंडित जोगिंदर जी से प्रार्थना करी कि वो हमें मंदिर के इतिहास एवं मंदिर की विशेषताएं आपके साथ। अब हम अपने छठे पड़ाव माँ कौल कंधोली, जो कि नगरोटा स्थित जम्मू के साथ में ही लगता है, वहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं। हमारे साथ पुजारी जी हैं, यहाँ के मेन पुजारी जी हैं कौल कंधोली जी के। इनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप मंदिर की महानता, मंदिर की विशेषताएं, मंदिर का इतिहास, माँ किस प्रकार अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे माँ के भक्तों को विस्तार में बताएँ। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप कृपा करके हमारे दर्शकों को, अपने दर्शकों को और माँ के भक्तों को बताएं इस मंदिर की विशेषताएं। जय माता दी। सबसे हम पहले भक्तों को जय माता की बोलते हैं। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का अवतार जो हुआ था सतयुग में माँ भगवती कन्या रूप में प्रकट हुई है। नमक की पिंडी है, नमक की पिंडी में माता रानी ने अपना जो रूप लिया था वो कन्या का रूप लिया था। कन्यों के साथ बैठकर माने गेंद कोड़िए पालने यहाँ पर झूले हुए हैं, इसलिए इस मंदिर की ज़्यादा मान्यता झूले वाली मैया कहते हैं। और द्वापर युग लगने के बाद यहाँ पर पांडवों को राज सिंहासन छूटा हुआ था, तो पांडव यहाँ पे वनवास में निकले हुए यहाँ पे आए और पहुँचे और माँ भगवती की पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद पांडवों की माँ ने यहाँ बैठ कर आशीर्वाद मांगा कि मेरे बच्चों का राजपाट छूटा हुआ है, इनको आशीर्वाद दो। माँ कहती है, कुंती मैं तेरे बच्चों को आशीर्वाद दूंगी, इनको जहाँ पर पहले मेरा भवन बनाना होगा इस धरती पर, आपके बच्चों के सिवाय मेरा कोई भवन नहीं बना सकता, तो ये मेरा जो भवन बनाएंगे वो सूर्य उदय होने से पहले बनाना है। तो पांडवों ने इनकार किया, हम आपका भवन एक रात में नहीं बना सकते। उस समय माँ ने भगवान हनुमान जी को बुलाकर कहा कि हनुमान,
आप सूर्य को ग्रहण करो, जब तक ये पांडव मेरा भवन पूर्ण तैयार न करे आप सूर्य को बाहर ही नहीं आने देना। माँ की अस्तनी शक्ति माया छोड़ी, माँ ने हनुमान जी को यहाँ पर बैठे थे, बैठे बैठे ही उनको नींद में ही सुला दिया। हनुमान जी सो रहे थे और पांडवों ने भवन बना दिया। फिर पांडवों की माँ ने यहाँ बैठ कर भजन गाया कि पंजा पंजा पांडवों ने तेरा भवन बनाया। ये इतिहास में लिखा गया है कि पंजा पंजा पांडवों ने माँ का भवन ये बनाया हुआ है। उस समय कहते हैं पांडवों को माँ ने आशीर्वाद दिया, पांडव चले गए। पांडव हनुमान जी को बुलाकर कहा कि हनुमान आगे जाने की यहाँ से तैयारी करो, मेरा आगे जाने का समय आ गया है। उस समय भगवान शिव को बुलाकर कहा कि शिव प्रकट हो जाओ। जहाँ पे शिव प्रकट हो गए उस समय माँ ने कहा कल युग में जो मेरे भक्त मेरी यात्रा करने आएंगे पहला दर्शन कोल कुंडोली करेंगे, कोल कुंडोली के बाद शिव के दर्शन यहाँ होंगे, दोनों शक्तियों की पूजा होगी तो मेरी पूजा सफल होगी। उस समय माँ ने जाते जाते कहा था जो मेरे भक्त बनकर आएगा तो पहला दर्शन कोल कुंडोली करके जाएगा और अपनी मनोकामना यहाँ से मांग कर जाएगा और मेरी आगे जाके मेरी मनोकामना मैं भक्तों की पूर्ण कर दूंगी। तो पहला दर्शन कोल कुंडोली है भक्तों, दूसरा दर्शन देवा माई है, तीसरा दर्शन बाल गंगा चरण पादगा है, चौथा गर्भजूनाथ कुवारी है, पांचवा वैष्णो दरबार है, फिर भैरव के दर्शन आप कर सकते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर पुजारी जी, आपने जिस प्रकार इतने डीपली आपने हमारे भक्तों को दर्शकों को आपने माँ की कथा सुनाई, इतिहास बताया इस मंदिर का, इस मंदिर की महानता बताई, इससे आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव यू नो लर्नड अ लॉट, यू गाइस मस्ट हैव अंडरस्टूड अ लॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस टेम्पल कोल कुंडोली जी। हमारे सनातन धर्म के अंदर सभी मंदिरों के पीछे कोई ना कोई इतना पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है कि जो जिससे हम बहुत सारे भारतीय, भारतवर्ष के लोग, दुनिया भर के जो हमारे सनातनी भाई बहन हैं वो सारे के सारे वंचित हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जैसे पुजारी जी ने बताया एक एक करके इन मंदिरों पर आएँ, दर्शन कीजिए, इनके इतिहास के बारे में जानें और आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को भी यही संस्कार, यही संस्कृति से हम लोग दर्शन करवाएँ। इसी के साथ हमारा छठा पड़ाव माँ कोल कुंडोली जी का दर्शन संपन्न हुआ। मैं आप सभी दर्शकों की तरफ से पुजारी जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे पुजारी जी, हमारी माँ भगवती से हमारे सबके लिए, हमारे सबके कल्याण के लिए, समस्त भारतवर्ष के लिए, समस्त सनातन धर्म के लिए, समस्त विश्व के कल्याण के लिए आप पूजा अर्चना करते रहें, हमारी यही आपसे प्रार्थना है, विनम्र विनती है। जय माता दी। जय माता दी। माँ कृपा बनाए रखना इनके परिवार में। जय। ये कुएं में क्या है जी? इसकी मान्यता ये है जब यहाँ पर सतयुग था, सतयुग में यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, बियावान जंगल था, तो जंगल में यहाँ पे माता ने पानी प्रकट किया था। अच्छा। इसी पानी से शिव की पूजा होती है, जल की पूजा की जाती है, जो भी श्रद्धा के अनुसार आते हैं माँ का जल पीकर जाते हैं। सबसे पहला दर्शन माँ कोल कुंडोली की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। भैरव ने यहाँ से माँ का पीछा किया हुआ है। जो भी भक्त जन श्रद्धा लेकर आते हैं पहले माँ वैष्णो देवी कोल कुंडोली के दर्शन करते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू कर लेते हैं। जय माता दी। Thank you.